फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं आप सबके एक और हॉरर वीडियो लेकर के। तो फ्रेंड्स, रात के 12 बज रहे हैं, घर में सब लोग सो रहे हैं। तो एक ऐसी हॉरर स्टोरी मैं लेकर आई हूँ रात को, अंधेरी रात को, जिसे सुन के आप सब लोग डर जाएंगे। क्योंकि एक हॉरर स्टोरी ऐसी स्टोरी, बुटिया स्टोरी है जो की रियल लाइफ है। मेरी फ्रेंड जो की मेरी क्लासमेट है, उसने मुझे जब ये बताया, मैं इतना ज्यादा डर गई। सीरियसली, मतलब ये स्टोरी ही ऐसी है, इसे सुन के ना मतलब एक अंदर से डर बैठ गया मेरे अंदर। मैं रात को सोई और मुझे सपने भी वही आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी ये स्टोरी शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, एक ऐसी स्टोरी, ये है एक ऐसी लेडी की स्टोरी जो की हाउसवाइफ थी, उसका हस्बैंड डॉक्टर था। वो दिल्ली में आए थे, न्यू कपल थे वो दोनों, काफी अच्छे लव कपल थे। तो मीन्स वो लोग रेंट पे रहते थे एक बिल्डिंग में। तो क्या होता है, वो लोग मतलब सारा फर्नीचर न्यू खरीदते हैं, फर्नीचर का कुछ खरीदते हैं, बैठे सोफा फ्रिज। उसके बाद मीन अब जो लेडी थी वो तो घर पे रह गई हाउस वाइफ। तो उसका जो हस्बैंड था वो ज्यादातर जॉब थे, जब वो जॉब पे जाता था तो वो घर बैठे नहीं होती थी। तो मीन्स वो ऐसे ही एक दिन किचन में कुछ काम कर रही थी, उसने वो गैस ऑन किया। और जब उसने वो गैस ऑन किया तो तभी उसका कॉल आने लगा, उसका फोन बजने लगा। उसने गैस चालू किया लेकिन वो चालू नहीं हुआ, लाइटर का यूज नहीं किया तो गैस लीक होने लगा। वो गई, उसने कॉल रिसीव किया, वो बातें करने लगी। फिर वो बातें कर रही थी तो भी उसको स्मेल नहीं आ रही। फिर जब वो बातें खत्म करी, करीब आधे घंटे तक उसने बातें करी, तो जब वो रिटर्न किचन में गई तो उसको स्मेल भी नहीं आ रही। उसने लाइटर ऑन किया और किचन में आग लगी। जब वो आग लगी ना तो वो जलने लगी। वो चिल्लाई चीखी लेकिन नेबर शायद वहाँ पे कोई था नहीं जो उसकी हेल्प कर सके। तो वो जलने लगी काफी। तो खुद से ही जल जल करके, मतलब जब वो जल रही थी तो भागने लगी, किचन से निकल के भागने लगी। क्योंकि मतलब ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी, वो जल के मतलब भागने लगी। तो मैं जो कुछ भी था उसके आस पास सब कुछ जलने लगा। तो करीब जब वो आग और बढ़ने लगी तो उनके आस पास के जो लोग थे वो वहाँ पे आए, वो आग को बुझाया। जब उस आग को बुझाया गया तो लेडी पूरी तरीके से मर चुकी थी। पूरी जलने के बाद कौन बचता है यार, मुझे तो सोच करके ही डर लग रहा है यार गाइस कि कोई जल जाए। हम तो जरा सा भी जल जाते तो इतना जलने लगता है, मन की जल्दी वो ठीक हो जाए। मैं कितना जल गई तो मुझे उसकी बॉडी को। उसके बाद लास्ट को उसका हस्बैंड आता है, कॉल वॉल करते हैं। तो वो आता है तो वो भी इस चीज को देख करके ना वो ऐसे जल जाते कि क्या हो गया मेरे साथ। अभी अभी न्यू न्यू शादी हुई थी और मेरी वाइफ के साथ ये क्या हो गया। तो उसने मतलब अपने फ्रेंड को बुलाया और बोला कि अब मैं मतलब दिल्ली में मुझे नहीं रहना है, मैं वापस से अपने गांव जाऊँगा। लोग गांव से आए थे तो कह रहा मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ, तो ये जो भी मेरे से सामान है ये सब मेरी हेल्प कराते थे। उसने बोला उसका फ्रेंड था, मेरी फ्रेंड था, मेरे फ्रेंड के साथ। तो उन्होंने बोला कि यार मुझे ना अपना ये बेड दे दे, मैं वैसे भी न्यू बेड खरीदने वाला था तो तू मुझे अपना ही बेड दे। उसका फ्रेंड वैसे इतने श्लोक में था, मतलब इतनी भी थोड़े हालात में था। तो उसने बोला कि ठीक है तू ये बेड ले ले और मुझे कुछ पैसे दे दे। तो पैसे की जरूरत नहीं, तो फिर उसका पैसे ले लिए और मतलब बेड ले लिया। तो वो बेड वो ले गए उसके चाकू से, मेरे फ्रेंड के साथ वो ले गए उस बेड को। जब उस बेड को वो ले गए तो उसे सब कुछ नॉर्मल था, वहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और सब कुछ ठीक था। तो मेरी फ्रेंड जो रहती है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहती है और उसके जो चाचा रहते हैं वो थर्ड फ्लोर पे। तो वो थर्ड फ्लोर पर उस बैग को शिफ्ट कर दिया, एक रूम में खाली रूम में। और उनका जो बेटा था वो कॉलेज में पढ़ता, तो वो कॉलेज की छुट्टियों में आता था क्योंकि वो बाहर मुंबई में पढ़ता था। जब वो मुंबई से रिटर्न आता था दिल्ली में तो उसके रूम मतलब उसका जो रूम था वो रेडी कर दिया जाता कि वो आएगा तो बेड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उस रूम में उस बेड को लगा दिया। तो जो मेरी फ्रेंड था, जो चाचा थे, मेरे फ्रेंड के जो चाचा थे, जब उनका बेटा आने लगा, मतलब मेरी फ्रेंड का कजन जो था, तो जब वो आया दिल्ली रिटर्न आया और जब वो आके यहाँ पे रुका तो मुझे डर लग रहा है कि रात को मैं ये डरावनी मिली
आया, वो आया और उस रूम में रुका। तो उसको ना अजीब सा लग रहा था, वो बाबा कह रहा था कि मुझे ना अजीब सा लग रहा है इस रूम में। तो मुझे लगता था थोड़ा ऐसा हमेशा मैं ट्रैवल करके आया हूँ इतना, तो मुझे लग रहा होगा। तो वो क्या करता है, वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो उसको ऐसा फील होता है कोई है जो बेड के अंदर है, तो बेड के नीचे वो चेक करता है, कोई नहीं होता। तो वो बेड को खोल के देखता है, उसे देखता है कि उसमें जले हुए कपड़े हैं, कुछ लेडी की साड़ी जो भी उसके आस पास था, बेड के अंदर था। उसको देख करके उसने घर वालों से पूछा कि क्या है बेड के अंदर ये जले हुए कपड़े, ये सारी चीजें, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आ रही, ये क्या है। तो उसके पापा ने बोला कि मैंने सेकेंड हैंड बैग लिया था अपने दोस्त से, तो उसके ही कुछ सामान होगा। उसके पापा ने, उसके चाचा ने, पापा ने ये मेरे फ्रेंड के चाचा ने कुछ बताया नहीं कि उसके में क्या हो। उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब तो वो चलेगा, वो सो गया डॉक्टर से। फिर वो अचानक से उसको थोड़ा प्यास लगने लगी, तो पानी लेने के लिए किचन में, उसने देखा किचन में ना कोई लेडी है। अब किचन में कोई लेडी है, वो भी बहुत बुरा हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है बुरा, तो उसकी मतलब एक लेडी है जो उल्टा चलती है, मतलब उल्टा चलती है, और जैसे मैं उसको देखता हूँ ना तो भाग जाती है, फिर आ जाती है। तो ऐसे ही जैसे उसका रूम है और सामने ही हॉल है। तो जरा मैं सो रहा था, मेरी आँख खुली, मैं बैठा और लेडी उल्टी थी। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, पढ़ती हूँ। तो वो डर गया, और अचानक से क्या होता है, वो लेडी सीट में उसके पास आ जाती है बैठते थे। तो जैसे वो हनुमान चालीसा खत्म करता है ना, तो चादर बिठाता था उसको ऊपर से, तो अपनी मतलब अपनी बहन को बताता है कि ऐसे उसका हुआ मेरे साथ। तो फिर वो अपने पापा को बताता है, उसके पापा उसकी बातों पर बिलीव भी करता है, कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तू उम्मीद मत करा, हम भी इसी घर में रहते हैं, हमारे साथ कुछ नहीं। तो फिर जब वो रिटर्न जाने लगा अपने कॉलेज, तो फिर सबको बहुत मतलब सबको बोला कि यार कुछ बैठ रहे कुछ गलत, कहना मैं तो डर मैं डरा नहीं, तो शायद उसने मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन उस बैड में कुछ ऐसा है, मैंने भी कह रही थी यार मुझे सच में डर लग रहा है फ्रेंड्स। इसी रात से तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और सब लोग सो जाते हैं 12 बजे, मतलब सब लोग 11 बजे सो जाते हैं, और मैं रात को रूम लॉक करके आधे का भी नहीं मेरे पास, वीडियो शूट कर रही हूँ, इतना ज़्यादा डर लग रहा है। चलो मैं स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। तो क्या होता है, मेरी फ्रेंड फिर उधर जाती है अपने चाचा के घर में, उसके चाचा भी कहीं गए हुए होते हैं, अपनी चाची और छोटी बहन के साथ रुकती हूँ। अब वो मुझे बताती है कि मतलब जब वो कुछ मतलब रूम के आस पास उसके पास से गुजर रही थी, उसको ना आवाज़ें आ रही थी चीखने की, जैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा उससे मार रहा है, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो उस रूम में तो लॉक कर रखा होता है, हम उसकी काफ़ी नहीं होता, तो वो देख नहीं पाती थी। वो जाती है कहती काफ़ी, पर उसके रूम में चलो आप चीखने की आवाज़ें आ रही, उसके चाची कहते कुछ नहीं है तू डर मत, ऐसे कुछ हो। तो कहती मेरी चाची मेरे को ना सारी बात बताई है रूम से, फिर आता है तो कहती रूम से आई मुझे सारी बात बताई है कि क्या क्या यहाँ पे हुआ। और वो बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे भाई, तो फिर वो जल्दी से कॉलेज चले गए आधी छुट्टे से तीन। तो उसकी चाची ने बोला सच में, उसकी चाची को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसकी चाची ने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो वो कहती है कि चाची काम कीजिए, आप एक दिन इस रूम में रुक के देखिए सच में उस बेड में ऐसा कुछ है। यार मैं इस बेड में बैठी हूँ, मुझे उस बेड की याद आ रही है मतलब। तो वो उसकी चाची बोलती है ठीक है मैं रुक के देखूँ। तो कहती नहीं मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं नीचे अपने शोर पर जा रही हूँ, मैं आपके साथ नहीं रुक सकती सॉरी। तो उसकी चाची भी डर जाती है, कहती मैं भी तेरे साथ चलूँ। तो वो दोनों पर्दा अपने आप देख लिया, हवा चल रही है,
तो उसकी चाची बोलते हैं अभी तेरे साथ चल रही हूँ। तो उसकी चाची और उसकी छोटी बहन भी उसके साथ जाने लगती है। जब वो दोनों चली जाती है तो पहले दो दिन तक उसकी छोटी भी चल रही जाती है। उसकी चाची को भी शायद कुछ ऐसा फील हो जाता है, ऐसी आवाज आती है, तो उसकी चाची भी नहीं मिलती। फिर उसके चाचा आते हैं सब के पास, तो सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था और वो एक बेकार तरीके सब कुछ वहाँ पर ऐसी चीज़ें थी छटी हुए गले हुए कपड़े हुए बेड के अंदर वहाँ से आगे भी आए हैं। तो उस बेड को खाली कर उस बेड को खाते खाली। फिर उसके बाद उसके चाचा ने बोला था कुछ नहीं, तुम लोग फालतू बकवास करते हो, फालतू की कहानी लेकर बैठ जाते हो, तुम लोग फालतू की बड़ा मजा आता है, तो इन लोग को डांट देते वाइफ को डांट देते। तो उसकी वाइफ बोलती काम करो आज तुम उस रूम में रुक जाओ, मैं तो नीचे ही हूँ। तो वो बोलते हैं कि इतनी रात को मतलब वीडियो शूट करने में बहुत डर लगता है। तो जब उसके चाचा उस रूम में रुकते हैं और उस चीज को मतलब उनको भी वो चीज दिखती है, वो लेडी दिखती है उसकी वाइफ। उसके चाचा ने तो देख ही रखी थी, लेकिन लेडी ना पूरी जली हुई होती है, वो डी बन के चल रही होती है। अब वो डी बन के क्यों चल रही होती है ये तो ना मेरी फ्रेंड को पता ना मुझे। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसके घर में जो उसकी बहन थी, उसके भाई थी, बहन थी जो उसकी नजर थी, नजर की आई हुई थी, उसने उसको जलाया था वहाँ से वो चल गई थी। ऐसा कहते हैं मतलब ऐसा बोलते हैं कि उसकी ननद ने उसको जलाया था या फिर उसके रिश्तेदार ने उसको कुछ किया था। अब वही ये तो मुझे नहीं पता। तो उसके पापा ने जब उसके चाचा ने जब ये चीज़ें देखी ना तो वो इतना ज़्यादा डर गए और उसने उसका अटैक भी किया था। लेकिन उसके पापा के चाचा थे वो एक पंडित थे, एक तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े जिसके उसे छोड़ दिया, उस आत्मा ने छोड़ दिया और वो फुल स्पीड में फर्स्ट फ्लोर पर था। उन्होंने गेटवे भी नहीं बंद किया। फिर उन्होंने दूसरे दिन पंडित मंडित को बुलाया, एक पूजा करी और उस बेड को निकाला, उस बेड को निकाल के एक खुली जगह पर उस बेड को जला दिया और घर की शुद्धिकरण करा, शुद्धिकरण कराया सब कुछ साफ सफाई कर। और अभी भी मेरी फ्रेंड जाने से डरती है उनके घर से, कहती है मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उस घर में जाऊँ। और कहती है ना कि मतलब उस आवाज़ को मेरे को अभी भी कभी उसको फील होता है कि सुनाई देती। तो जो उसका भाई था वो तो कॉलेज के पास, फिर जब वो रिटर्न आया तो उन्होंने उस रूम में नहीं रुकी। तो उसका जो वो रूम है उसमें उसके पापा, उसके चाचा, उसके चाची रहने लगे थे। ऐसा कुछ नहीं, कुछ नॉर्मल होता। तो फ्रेंड ऐसा कभी कभी होता है रियल लाइफ में, कुछ लोग ऐसे ऐसे मतलब ऐसा कुछ हो जाता है कि उस चीज़ को कभी नहीं हो सकते। मेरे साथ तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, बट मेरी फ्रेंड ऐसा बताती है, मेरी सारी फ्रेंड की साथ में उनके पास कई बार ऐसा हुआ और उन्होंने मुझे बोला भी कि तुम अपने वीडियो में इसको बताओ, क्योंकि काफी लोग इस चीज का बिलीव नहीं करते। फ्रेंड्स तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और फिर तेरी और भी हॉरर वीडियोज हैं मेरे चैनल पर, उसको भी देखिए, बहुत ही ज्यादा गंदा हॉबी भी है और कई सारे चैलेंजेस भी हैं मेरे हॉरर। तो फ्रेंड्स इन सारी वीडियोस को देखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कॉमेडी वीडियोज आते हैं तो देख के आपको थोड़ा फन मिलेगा। और फ्रेंड थैंक यू सो मच, ओके गुड नाइट, बाय बाय, मुझे बहुत ज़्यादा, ओके बाय।